हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा कुर्क में दूसरा दिन और अभी मॉर्निंग 8 o'clock हम निकल गए हैं ढेर सारी प्लेसेस कवर करने के लिए। वो कौन कौन से प्लेसेस हम कवर करते हैं वो आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं जाके देखा है तो जाके देख सकते हो, क्योंकि एक दिन में हम लोगों ने 5 to 6 प्लेसेस कवर किया था। तो अभी हम निकलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन के लिए और नए नए प्लेसेस जो है हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट डे किसी भी तरह का स्कूटी नहीं लिया था। जो भी प्लेसेस हम लोगों ने कवर किया था वो विद इन 1 किलोमीटर का था, तो हम लोगों ने ऑटो लेके एक्सप्लोर किया था। बट आज है सेकेंड डे और हम जो है अभी रह रहे हैं मडिकेरे बस स्टॉप के पास। तो अभी हम जा रहे हैं 30 to 40 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन से। तो हम जो है सबसे पहले लेते हैं बाइक और उसके बाद निकलेंगे। हम आ गए हैं टॉप गियर बाइक रेंट करने के लिए। तो अभी जो है अंकि यहाँ पे लेगी बाइक और यहाँ पे आपको इतने सारे बाइक का स्कूटी का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये लोग पर डे स्कूटी एंड बाइक का कितना चार्जेस कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं कुर्ग तो ये प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो आज हमारा प्लान है मैक्सिमम प्लेसेस कवर करने का। तो आप कभी भी स्कूटी बाइक ले तो इस तरह से वीडियोस फोटोज अभी तरह से ले ले, ताकि फ्यूचर में ये जब हम बाइक वाइक रिटर्न करने आए तो ऐसा ना बोले कि आपने ये डैमेज किया है वो डैमेज किया है। भैया जो है स्कूटी के साथ अंकि का फोटो क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे अंकि को स्कूटी मिल गया है। अभी इस स्कूटी में ब्रेक वेक चेक कर लो। यहाँ पे बैक वाले को हेलमेट मैंडेटरी नहीं है। कार में तो बैक वाले को हेलमेट मैंडेटरी नहीं थी, तो अच्छा है हम लोग का बाल नहीं खराब होगा। अब हम जो है इंजॉय करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम आ गए हैं पेट्रोल डालने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ बोला था 1 लीटर, बट 1 लीटर नहीं था, वो ब्लिंक कर रहा है। तो अभी हम पेट्रोल लेते हैं, फुल टैंक कराएंगे। लेफ्ट लेना है, फर्स्ट डेस्टिनेशन में बागल मंडला, जो कि बस स्टॉप से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे था। अभी हमने जो है 20 किलोमीटर अभी और जाके चढ़ना है। यहाँ का वेदर जबरदस्त है, एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। कुर्ग की गलियों में मैं और अंकि, मस्ट विजिट प्लेस है गाइस। कुर्ग ऐसे ही नहीं से बोलते, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ आकर सच में पता चला है, ये है नेचर के बीच में और अंकि राइड करते हुए जा रहे हैं। और आप ठंड देख सकते हैं, मेरा नाक जो है पूरा लाल हो गया है। तो आप जब भी आए तो इस तरह के ड्रेस पहन के ना आए, पूरा फुल जींस टॉप पहन के आए, वरना मेरे जैसा कुल्फी जम जाएगा गाइस। डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं बागा मंडल टेम्पल, और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ड्रेस कोड है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अंदर जाने दिया जाएगा, पर टेम्पल हमारे सामने है। हम जो है यहाँ बैक में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल लगे यहाँ पे, आपको पैंट्स, लूज पैंट एंड लुंगी धोती भी मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने लुंगी की। लाइफ में पहली बार मैं अपने लिए लुंगी खरीदने जा रही, लुंगी खरीद लिया है 150 रुपीज में, भैया कम नहीं कर रहा था। अभी हमें अपने जूते चप्पल जो है वो उतार के रखने हैं। आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर में हमें कौन से देवी देवता का दर्शन होता है। तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो कोई नहीं, हम लोग आपको दर्शन करने के बाद दिखाते हैं। ये है यहाँ का एंट्रेंस। तो हमने दर्शन कर लिया। तो अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आपको टाइमिंग की खास ध्यान रखनी है कि आप 6 AM to 1:30 PM के बीच में कभी भी आ सकते हो, और उसके बाद जो मंदिर बंद हो जाएगी और 3 to 8 के बीच में फिर कभी भी आ सकते हो। तो ये रही टाइमिंग। अंदर जो है स्ट्रिक्टली फोन्स आर नॉट अलाउड, और अंदर में आपको 2-3 देवी देवता के दर्शन करने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको गणपति जी देखने को मिलेंगे, शिव जी देखने मिलेंगे, विष्णु जी का दर्शन हम लोगों ने किया। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अभी हम जा रहे हैं अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पे, तल्ला
कावेरी टेम्पल, तो ये भी एक टेम्पल है, तो इसलिए हम जल्दी से कवर करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 o'clock हो गया है। तो आप कुर आ रहे हो तो बागमाला टेम्पल जो है आप आ सकते हो। आर्किटेक्चर जो है इसका कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो आप यहाँ ही आकर इस टेम्पल का विटनेस हो सकते। हम पहुंच गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है तल्ला कावेरी टेम्पल। तो हमारा जो टेम्पल है ये जो हमने फर्स्ट टेम्पल विजिट किया था बाग मंडल टेम्पल, वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे भी आपको जो है पूरे ढके हुए कपड़े पहने होने चाहिए। गाड़ी की पार्किंग चार्जेस है 10 rupees और 3 rupees यहाँ पे है फुटवेयर की चार्जेस। तो चलिए अभी हम आपको लेके जाते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर में हमें कौन से देवी देवता के दर्शन होते हैं। और यहाँ से आपको जो है पूरा माउंटेन का व्यू है, बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ से। ऐसा वहाँ हमें मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं अलाउड थी, वैसा यहाँ पे भी है। और यहाँ से साइड से आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा आपको यहाँ से टेम्पल से व्यू, और ये रहा टेम्पल। अभी हमें स्टेयर चढ़ के टेम्पल की तरफ जाना है। तो टेम्पल जो है हमें बाहर से ही दिख रहा है टेम्पल, ये वाला टेम्पल काफी बड़ा है और काफी खूबसूरत भी है ये टेम्पल। तो अब आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। इस टेम्पल के अंदर एक विशिंग वेल है, तो यहाँ पे आपको अपनी विश करनी है और कॉइन जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ ऐसा मानता है कि जो भी विश आप मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। दर्शन कर लिया है तो अंदर में आपको शिव जी का दर्शन मिलेगा करने को और गणेश जी का टेम्पल दर्शन करने का। और यहाँ की टाइमिंग वैसे ही रहेगी 6 to 1:30 और उसके 3 to 8 के बीच में आप कभी भी आकर दर्शन कर सकते हो। तो आप इस साइड आ रहे हो तो दर्शन कर सकते हो। अभी हम आपको लेके जाएंगे अपनी थर्ड डेस्टिनेशन में। सो गाइज, हम अभी आ गए हैं त्रिवेणी संगम देखने के लिए। बागा मंडल से आपको जस्ट अपोजिट ही देखने को मिलेगा, बट अभी समर है तो पानी जो है वो सूख गया है। बट ये है आपको त्रिवेणी संगम, पानी तो पूरा सूख चुका है। तीन रिवर का संगम हो रहा है। हाँ, तीन रिवर का संगम हो रहा है जो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि ड्राई हो चुका है ना, देख सकते हो। तो ये रिवर अभी सूखा हुआ है, ज्यादा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने सेकेंड डेज के फोर्थ डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है अबे फॉल। ये कुर्ग का काफी फेमस प्लेस है तो मैं इसे मिस नहीं करना चाह रही हूँ। तो यहाँ अबे फॉल का 20 rupees है टू व्हीलर का, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखा दिया है। तो अभी लेते हैं और जाते हैं अंदर। तो स्ट्रेट आपको पार्किंग एरिया है इनका। अबे फॉल में एंट्री चार्जेस होगी 10 rupees पर हेड, एंड अगर आप आ रहे हैं अपनी पर्सनल व्हीकल से तो टू व्हीलर का ये लोग 20 rupees ले रहे हैं। फॉलो के बीचों बीच में आपको जो है जंगल पूरा देखने को मिलेगा, बहुत सारा लोग भी आया है। हमको लगा नहीं फेमस है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ग्रीनरी और ठंडक लगी रही और वाटरफॉल का साउंड जो है हम लोग को सुनाई दे रहा है। हम लोग डर डर के ये प्लेस जो है वो कैंसिल कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी वाटरफॉल का टाइम नहीं है तो वाटरफॉल नहीं हमें देखने को मिलेगा, बट आवाज आ रही है। तो अभी आपको मेन जगह लेके जा रहे हैं। है बट सूखा हुआ, लेकिन है, मुझे यहीं से दिख गया। लेकिन ऐसे सीजन में आने पे बहुत रहता है, अभी कम है। हाँ, कम है। तो आप जो है यहाँ से फॉल देख सकते हैं, कैसा लग रहा है अंकी? हम इसको वीडियो में देखे हुए हैं तो ये पूरा एरिया भरा रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे कम है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अगर आओगे नॉर्मल डे में तो पूरा आपको इस तरह से पानी जो है देखने को मिलेगी, बट कोई नहीं यहाँ आना वर्थ। तो आप पहले बैक साइड में देख सकते हैं इन लोगों ने ब्रिज बना के रखा है, बट वो टूट गया है, वरना ये जो है आप ब्रिज में वॉक करते हुए इस वाटरफॉल को देखेंगे तो और भी ये खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही हम ऊपर जाके भी जो है देख सकते हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से व्यू देखते हैं कि ऊपर से कैसा दिख रहा है। वाओ,
आप जब यहाँ पे आओगे तो आप ज़्यादा क्लोज से जो है फॉल को इंजॉय कर पाओगे। तो इंजॉय करेंगे थोड़ी देर। ये है ऊपर से व्यू, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। तो आप जो है अगर कुर्ग आ रहे हो तो इसको अपनी आइटनरी में रख सकते हो। जाने का मन नहीं कर रहा है बट अभी हमें तो और भी प्लेसेस कवर करनी है, इसलिए हम जो है अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने सेकेंड डे के फोर्थ डेस्टिनेशन पे, निसागढ़ डैम। तो मैंने जितनी भी जगह अभी तक कवर किए हैं सारे का लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि हर एक जगह दूसरी जगह से 10 किलोमीटर का डिफरेंस में था। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है यहाँ की पार्किंग एरिया और इन लोगों ने हम लोगों से पार्किंग चार्जेस लिया है 20 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने साथ चेंज कैरी करो। बाहर में इनका कैंपस है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टॉल वगैरह मिलेंगे। नारसानधामा ब्रिज पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है निसर्गधामा। ये एक बैम्बू आइलैंड है जो कि हमें एक ब्रिज से क्रॉस करके जाना होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जो है ब्रिज क्रॉस करते हुए आइलैंड के अंदर जाना होगा। तो हम तो जैसे ही आए आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको बैम्बूज है और ये रहा ब्रिज। तो ये भी अच्छा है, यहाँ पे आप जो है इस तरह से बोटिंग, कितना सारा फिश है देखो, फिश भी कितना है ना, बोटिंग वगैरह भी हो रहा है। और ये ब्रिज जो है ये हिल भी रही है, वर्थ है ये प्लेस भी आना। यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोटिंग कर सकते हैं, बर्ड को फीड करवा सकते हैं, जिप लाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे आपको बोर्ड पे पूरा मैप दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इस मैप को फॉलो करते हुए भी आप जो है सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो। भी आपको अंदर लेके जाएंगे, वैसे अंदर में तो पूरी आपको बैम्बूज के ट्री देखने को मिलेंगे और पूरा आपको स्टॉल वगैरह है खाने पीने के लिए। और हम जैसे ही इस आइलैंड के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरफ आपको बैम्बू दिखेंगे। यहाँ पे ट्री में कैसे पेंटिंग बनाया ना देखो। आइलैंड के अंदर आप जैसे ही एंटर करोगे तो इन लोगों ने पार्क बना के रखा है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जैसे जिप लाइनिंग, बोटिंग एंड ऑल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दिया हुआ है। पार्क के बीच में आपको बीच में इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप पार्क घूमने आ रहे हो इवनिंग के टाइम पे तो यहाँ पे बैठकर इसको एंजॉय कर सकते हो। ट्राइबल लाइफस्टाइल, तो आप देख सकते हैं ट्राइबल लोग का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हुआ करता है। और जैसे ही आप थोड़े से अंदर की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे फीमेल ट्रेडिशनल डांस फॉर्म भी देखने को मिलेगी। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं गोल्डन टेंपल। तो अगर आप आ रहे हो कुर्ग तो मेक श्योर कि आप ये टेंपल विज़िट करो, क्योंकि अगर आप ये टेंपल विज़िट नहीं करते हो तो आपका कुर्ग का ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ये है गोल्डन टेंपल, तभी आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की एंट्री चार्जेस वगैरह नहीं थी, तो ये जो भी कुर्ग आते हैं उसको अपने लिस्ट में रखते हैं। तो हम भी आ गए और आपको लेके चलते हैं। अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं। आई थिंक टेंपल बंद है, पता नहीं, देखते हैं। और हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं कि एक अद्भुत नजारा पे आपको एक बहुत बड़ा सा बेल देखने को मिलेगा और पीछे में गोल्डन टेंपल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेंपल जो पूरा गोल्ड का है, इसलिए भी मैं भी इसको गोल्डन टेंपल कहा जा रहा है। ये वाला स्पॉट तो मस्ट विजिट है। सिक्किम वगैरह साइड में तो ये बहुत देखने को मिलेगा, बट इस साइड इस आर्किटेक्चर का देखना सच में अच्छा लग रहा है। क्यू में लगना होगा अंदर जाने के लिए, पता नहीं। पहले जूता रखो। अंदर से बहुत खूबसूरत, बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। Thank you.
हम अभी आपको लेके जा रहे हैं कुड़ी के सेकेंड डे के फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो हाँ, हम जा रहे हैं डोबरे एलिफेंट कैंप। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिफेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गए, राइड हो गए, ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पार्किंग और करवाते हैं अपनी गाड़ी पार्क, और उसके बाद आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ का। वहाँ पे आप देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, वहाँ पे बहुत सारी एलिफेंट है। तो आप यहाँ पे एलिफेंट राइड भी कर सकते हो या फिर रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। तो रिवर राफ्टिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे। तो आज का कुर्द का ट्रिप हमारा लगभग एंड होने वाला है। तो हम लोग आ गए हैं डोबरेन एलिफेंट कैंप। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से वॉक करते हुए कैंप की तरफ जाना होता है, और यहाँ पे इन लोगों ने 10 रुपीज पार्किंग चार्जेस लिया है। अभी अंदर में आपको एलिफेंट बात वगैरह सब होता है, तो उसको हम वहाँ पहुँच के और आपको प्राइस वाइज बताते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा राइड लिया और क्या क्या किया। तो अगर आप रिवर राफ्टिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो उस साइड आपने देखा कि रिवर राफ्टिंग भी हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको पाथवे बना दिया गया है, तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा वाटर में करंट है। यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की टाइमिंग की आपको ध्यान रखना है, 9 to 11 के बीच में आना है। आफ्टरनून ये लोग पूरा क्लोज रखते हैं, और फिर इवनिंग 4:30 to 5:30 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो अभी हो रहा है 5 o'clock। ये अंकी एकदम फास्ट फास्ट जा रही है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि यहाँ पे स्टोन जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी है और वाटर में थोड़ा सा करेंट है। हम लोग वहाँ से पूरा वॉक करते हुए अभी और दूर जा रहे हैं। कम्प्लीटली हम लोग जंगल में जा रहे हैं, और तो वाटर क्रॉस करके अभी हम लोग को यहाँ पे जाना है इस साइड। रास्ता काफी डेंजर है संभल संभल के, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो हम लोगों ने इतना ट्रैवल करके यहाँ आ गए, अभी आपको अंदर लेके जा रहे हैं। चल चल संतरा क्यूटी। तो हम लोग जो है अभी कैंप के अंदर एंटर कर लिए हैं। आप कैंप के अंदर जब एंटर करते हो तो टिकट आपको दिखाना होगा जो हम लोगों ने लिया है, 100 रुपीज पर हेड। लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट जाना है, और यहाँ पे आपको जो है एलिफेंट देखने को मिलेगा और स्प्रे किया जाएगा, और कुछ भी आप अंदर में एलिफेंट राइड वगैरह नहीं ले सकते हो। तो चलिए हम जाते हैं। हाँ, एक वैसे जमशेदपुर में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस कैंप में चारों तरफ आपको सिर्फ हाथी ही हाथी दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम आए एलिफेंट कैंप में। ये यहाँ इतना ही बस नहीं है, उधर भी है, बहुत सारे हैं। अगर हम लोग भी खिला पाते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट हम लोग जो है इसे खिला नहीं पा सकते, सिर्फ दूर से हम देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस लेना है तो आप आ सकते हैं। ये लोग 100 रुपीज पर हेड ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वन टाइम तो विजिट है, वर्थ इट है। मेरे को लगता है ना ये लोग फीडिंग के टाइम पे ही ओपन करता है, इन लोगों का टाइमिंग होगा फीडिंग का, समझ रही है। तो इसीलिए ये लोग क्या किया ना, एक तरीके का एग्जीबिशन टाइप का डाल दिया है कि जो भी लोग आएगा आओ, और पैसा भी हो जाएगा और हाथी भी तो खा रहा, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो हमें आगे जाके पता चला कि अगर आप एलिफेंट को फीड कराना चाह रहे हैं तो इसका ये लोग एक्स्ट्रा 50 रुपीज लेंगे। तो अभी ये लोग फीड करवाने के बाद इन लोगों को लेके जा रहे हैं बात करवाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे स्प्रे मिलता है या नहीं। निकल के आ जा।
उधर दे रहा, उधर हट ना तू। तो आज का हमारा लास्ट डे कुर्ग में, हम लोग जो दो दिन क्या क्या मस्ती किया वो आपने देखा, और अभी जो है हमारा बस आ गया है। 10 o'clock तो हमारी टाइमिंग है बस की, और मॉर्निंग 5 o'clock हम बैंगलोर में रहेंगे। सो गाइज आई होप आपको पूरा ये जो कुर्ग का सीरीज है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए इस फैमिली का हिस्सा।